नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंट्रोल। लातेहार जिला के चंदवा थाना अंतर्गत NH 75 स्थित चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे कच पुलिया के समीप गुरुवार की रात एक दर्जन से अधिक वाहनों में लूटपाट हुई है। घटना के संबंध में एक गैस लदे वाहन के चालक अमरेंद्र राय ने बताया कि उनकी गाड़ी उक्त स्थान पर ब्रेक डाउन थी। इसी क्रम में चंदवा की ओर से तीन लुटेरे पहुंचे, डंडे से उसकी पिटाई शुरू कर दी। लुटेरों ने उसके पास से करीब 5,000 रुपए लूट लिए। उसी स्थान पर दोनों ओर से आ रहे वाहनों को लुटेरों ने रुकवाया। चालक ने बताया कि मालवाहक ट्रक छोटी कार के अलावा बाइक चालकों से भी पैसे की लूट की गई है। गढ़वा जिले के JMM के एक वरिष्ठ नेता भी लूटपाट का शिकार हुए हैं। वे लोग रांची जा रहे थे, उनकी गाड़ी में प्रहार कर वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इधर लूट की सूचना के बाद पुलिस तत्काल हरकत में आई। पुलिस निरीक्षक मदन शर्मा के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने 3 राउंड गोली भी चलाई है। हम लोग लातेहार से आ रहे थे, रांची की ओर जा रहे थे। अचानक से तो गाड़ी आगे ट्रक लगी हुई थी, हम लोग को मौका नहीं मिला। उधर से आया और डंडा चलाने लगा, बोलता है माधव चौक पैसा निकाल। अभी आधा घंटा पहले क्या क्या हुआ है? वो हमारा गाड़ी ब्रेक डाउन हुआ, कापोट खुल गया। हम मिस्त्री बुलाए, मिस्त्री हम भीतर अंदर में बैठे हैं, खोल रहे हैं, आते आते मारना स्टार्ट कर दिया। कितना संख्या में था? 3 थे। कितना का लूटपाट हुआ करीब? अब तो मेरा 4400 ले लिया, मिस्त्री का 500 ले लिया और मोटा मोटी कितना गाड़ी का ले लिया। यही पर गाड़ी को रोका था? हाँ। और दूसरी गाड़ी करीब कितना? हाँ। गाड़ी पर कितना गाड़ी से लूटपाट हुआ होगा? अब 4 चक्का 2 चक्का अब बड़ा ट्रक मिला जुला के मोटा 30-35 गाड़ी का ले लिया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले। पुलिस फायरिंग भी की थी? हाँ। कितना फायरिंग हुआ मोटा मोटी? 3 शॉट।